सोलन में सरेआम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला सोलन के ओझघाट का है, जहां मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत बांटे गए डस्टबिन कबाड़ की दुकान में बेचे जा रहे हैं। डस्टबिन कुछ माह पूर्व ही सांसद द्वारा पंचायतों को दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायतें इस मिशन को ठेंगा दिखा रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हिमाचल की पंचायतों के लिए आए डस्टबिन एक कबाड़ की दुकान में बेचे जा रहे हैं। जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पंचायत सचिव और प्रधान को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस कबाड़ी की दुकान में पहुंची और कबाड़ की दुकान के मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर 36 डस्टबिन बरामद हुए हैं। इसके अलावा 70 के करीब डस्टबिन रखने के लिए स्टैंड भी बरामद किए गए हैं। बाकी डस्टबिन कबाड़ी ने बेच दिए हैं या फिर उनके पास इतने ही डस्टबिन थे, इसकी जांच पुलिस कर रही है। एएसपी सोलन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की सूचना मिली थी कि कबाड़ी की दुकान में 36 डस्टबिन मिले हैं, जो कि सरकारी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जुटी है कि ये कबाड़ी कहां से इन डस्टबिनों को लाया है और कहां भेजा जा रहा है, इसकी सारी जांच की जाएगी। हमें सूचना मिली थी कि ओझघाट के पास एक कबाड़िया है मोहन सिंह, और इसकी शॉप पे कुछ कूड़ेदान पड़े हुए हैं। तो इस पे पुलिस की टीम मौका पे गई थी तो ये पाया गया कि उसकी दुकान पे टोटल 36 कूड़ेदान, जो कि क्लेम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के हैं, वो मिले हैं। और उसके साथ साथ उनके स्टैंड्स भी, जो कि लोहा होता है और एक कूड़ेदान जो है इसका प्लास्टिक का होता है, इन सभी को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है और इस पे फर्दर जांच जो है चल रही है कि ये कबाड़िया ये कहाँ से लाया और कौन किसने इसको बेचा है। तो इस पे हर एंगल पे जो है जांच की जा रही है।